सवाल यही कि आखिर पुतिन का वॉर कोड 123 है क्या? इसे समझने के लिए हमें पुतिन के दिमाग की तरह सोचना होगा और इसलिए जरूरी यह है क्योंकि हम उस जगह पर मौजूद हो जाएं जहां पर यह प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये वॉर कोड दरअसल तैयार क्यों किया गया है, हम इस वक्त पुतिन के डुप्लीकेट क्रेमलिन ऑफिस में मौजूद हैं और ठीक वैसा ही जैसा कि उस ऑफिस में है वैसा ही यहां पर हमने तैयारी की है कि क्रेमलिन में पुतिन का ऑफिस कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हम आज इस वॉर कोड को डीकोड करने वाले हैं, वो ऑफिस जहां अपने खास लोगों के साथ पुतिन खास प्लान तैयार करते हैं और यही तैयार हुआ है पुतिन का वॉर कोड 123। दुनिया को लग रहा है कि 43 दिन की जंग के दौरान पुतिन थक गए हैं, थम गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पुतिन इस दौरान वॉर कोड 123 बनाने में लगे हुए थे। आइए पुतिन की उस खुफिया फाइल को खोलते हैं जिसमें इस वॉर कोड की हकीकत दर्ज की गई है। पुतिन के इस वॉर कोड में जो पहला नंबर था वो यूक्रेन का था, मगर इस फाइल के अगले दो पन्नों में ये दो देश भी हैं जिन पर पुतिन अपने प्लान के तहत अगला हमला कर सकते हैं, मगर कौन से हैं ये देश? वो थका नहीं है, बस थमा है। अभी असली जंग बाकी है। पुतिन का वॉर कोड 123। दुनिया समझ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थक चुके हैं, हार चुके हैं। 43 दिनों की जंग ने उन्हें तोड़ दिया है, लेकिन वो अभी थका नहीं, सिर्फ थमा है। अभी तो पुतिन ने अपने 123 प्लान पर काम शुरू भी नहीं किया। अभी तक तबाही की जो तस्वीर दिखी है वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि ना तो अभी रूस की धार कम हुई है और ना ही हथियार। दहशत की कहानी और धधकते जहरीले बारूदों का मंजर तो अभी बाकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दहशत का प्लान यही नहीं थमा है, यही नहीं रुका है। अभी तो असली तबाही बाकी है जो पुतिन के वॉर कोड 123 में दर्ज है। तो सवाल ये कि आखिर क्या है पुतिन का वॉर कोड 123? कुछ सीक्रेट खबर बनाते हैं, मगर वो सीक्रेट ही क्या जो खुल जाए। पुतिन का इतिहास बताता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं है। हाँ, मगर उनके प्लान का खुलासा तभी हो सकता है जब कड़ियों से कड़ियों को मिलाया जाए, और जंग के 43 दिनों की ये कड़ियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे ताबड़तोड़ लड़ाई है। रूस और यूक्रेन की जंग और कितने दिनों तक चलेगी, ये तबाही कहां तक जाएगी, ये यकीनन चिंता का सबब हो सकता है। मगर दुनिया तो इस बात से घबराई है कि पुतिन इस जंग के दायरे को कितना बढ़ाएंगे, कहां तक ले जाएंगे। दुनिया के मशहूर कूटनीतिक और भौगोलिक जानकारों का अंदेशा है यूक्रेन तो पुतिन के वॉर को 123 का सिर्फ पहला चरण है। यूक्रेन के बाद अब अगला नंबर यूरोप का है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन की तोपों का रुख यूरोप की तरफ होता है तो और कितने वॉर फ्रंट खुल जाएंगे, तब दुनिया का आलम क्या होगा, तबाही का मंजर क्या होगा। जाहिर है इसे समझना और बहुत बारीकी से समझना जरूरी है,
क्योंकि अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हुई वो तो सिर्फ पारंपरिक हथियारों से हुई, लेकिन अगर रूसी राष्ट्रपति यूरोप का रुख करते हैं तो कहानी पलट जाएगी। ऐसा अंदेशा है कि यूक्रेन से जंग के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप के दो और देशों के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल सकते हैं, और ये देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। दुनिया के नक्शे पर देखें, फिनलैंड हो या स्वीडन, रूस से इनकी दूरी ज्यादा नहीं है। बहुत मुमकिन है अगर रूस जंग के दूसरे फ्रंट खोलता है तो वो इन देशों के खिलाफ आराम से जमीनी जंग छेड़ सकता है, और सबसे पहला निशाना होगा फिनलैंड। हम क्यों नहीं रहे हैं पुतिन? तैतालीस दिनों की जंग के बाद मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, जो बचे हैं वो थक चुके हैं, हथियार खत्म होने लगे हैं, और पुतिन ज्यादा दिनों तक इस जंग को खींच नहीं पाएंगे। लेकिन ये दुनिया की गलत फहमी है। हाँ, ये सच है कि यूक्रेन के साथ करीब डेढ़ महीने की इस जंग में रूसी सेना को जान माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जानकार मानते हैं इसका ये मतलब कतई नहीं कि पुतिन थम जाएंगे। हकीकत तो ये है कि यहीं से शुरू होने वाला है पुतिन का वॉर कोड 1-2-3। आसान भाषा में इस कोड का मतलब ये है कि पुतिन उन तमाम देशों को निशाना बनाएंगे जो लगते तो हैं उनकी सीमा से, मगर उनका झुकाव नाटो की तरफ है। पुतिन नहीं चाहते कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा देश हो जो नाटो का सदस्य बने, क्योंकि ऐसा होने पर दुश्मन की तलवार हमेशा उन पर लटकती रहेगी। इसलिए इस वॉर कोड के तहत रूस पहले यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और इसके बाद नंबर फिनलैंड और स्वीडन का हो सकता है, क्योंकि ये वो देश हैं जो नाटो की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, और यूक्रेन की देखा देखी इन देशों ने भी नाटो का मेंबर बनने की इच्छा जताई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस को फिनलैंड जैसे देश पर भी हमला करने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि रूस इसे अपने साथ हुए उस एग्रीमेंट का वॉयलेशन मानेगा जिसमें फिनलैंड ने किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ने का फैसला किया था। इसके बदले रूस ने वादा किया था कि जब तक फिनलैंड न्यूट्रल रहेगा रूस उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं अब तक इस जंग में न्यूट्रल पोजीशन रखने वाले फिनलैंड और स्वीडन अब दुनिया के दबाव में चोरी छुपे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ये जानते और समझते हुए कि ये खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा, बहुत गुस्सा दिला सकती है। आज तक ब्यूरो।